बच्चे अब हम लोग कुछ असाइनमेंट करेंगे, PYQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्लास 11th का लास्ट चैप्टर के असाइनमेंट्स हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेशंस पढ़ी है, इंटीग्रेशंस पढ़ी है ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो उसमें बहुत ज़्यादा एंडोक्रिनोलॉजी की डिस्कस की गई है, कुछ हार्मोन्स जो मिक्स्ड हार्मोन है जिनमें मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं जो बिना डक्ट के होते हैं, कहने का मतलब है कुछ डक्ट लेस और कुछ डक्ट फुल होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन है बच्चे, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द हार्मोन इट्स सोर्स एंड फंक्शन। तो आपको हार्मोन्स के फंक्शन पता होने चाहिए और उसका सोर्स पता होना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब जैसे हमारे पास बोल रहा है मैच द करेक्ट, नॉर एपिनेफ्रीन जो है, नॉर इधर से शुरू करते हैं, फोर्थ से इधर स्टार्ट करते हैं, वैसोप्रेसिन जानते हैं ना बच्चे, ADH हार्मोन का दूसरा नाम होता है ADH हार्मोन, है ना, तो एडिनो डायरेटिक हार्मोन्स, है ना, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। वैसो का मतलब होता है वेसल और प्रेसिन का मतलब होता है कॉन्स्ट्रक्ट। तो ये क्या करता है, उस समय बॉडी में इसको सिक्रीट होना होता है जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, वैसोप्रेसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वैसोप्रेसिन इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता था या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये आपने ध्यान देना है इसका, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता था, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता था या इंटीरियर पिट्यूटरी से। इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, देखो वैसोप्रेसिन बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये जो होता है ये डायरेक्ट स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, बट इसका सोर्स हाइपोथैलेमस होता है, समझ आई बात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ये गलत है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है बट सिक्रीट हाइपोथैलेमस करता है। रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क फॉर्मेशन इन फीमेल, ठीक है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ग्लूकोगन बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये गलत हो गया बच्चे, क्योंकि बीटा सेल नहीं, ग्लूकोगन को अल्फा सेल सिक्रीट करता है, बीटा सेल सिक्रीट करता है किसको, इंसुलिन को, तो स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस, तो ये तो ठीक है बट ये गलत है। नॉर एपिनेफ्रीन एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन, एड्रीनल मेडुला से सिक्रीट होने वाला हार्मोन, इंक्रीज हार्ट बीट रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस, ठीक है, तो कब फाइट और फियर के टाइम में ये सिक्रीट होता है, तो ये वाला पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है, ठीक है बच्चे, समझ में आया क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करना है, बहुत छोटी छोटी ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है सिग्नल फ्रॉम फुली डेवलप्ड फिटस, सिग्नल फ्रॉम फुली डेवलप्ड फिटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्चुरेशन विच रिक्वायर द रिलीज ऑफ, देखो बोल रहा है कि जब फुली डेवलप्ड हो गया है फिटस मदर की वॉम में, तो पार्चुरेशन मतलब बेबी बर्थ के पीरियड को पार्चुरेशन बोला, तो क्या मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को रिक्वायर्ड होता है, तो रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, बिल्कुल सही है ये, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फिटल पिट्यूटरी गलत हो गया, रिलैक्सिन फ्रॉम प्लेसेंटा, तो ये वाला हाँ रिलैक्सिन फ्रॉम प्लेसेंटा ये तो गलत है, ओवरी से होगा, एस्ट्रोजन फ्रॉम प्लेसेंटा ये भी गलत है, तो आपको जो सही आंसर है वो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी रिलीज होगा ड्यूरिंग फुली डेवलप ऑफ चिल्ड्रंस ड्यूरिंग फुली डेवलप एंड फिटस, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका होगा। जैसे और भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं बच्चे, जैसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जैसे करो एक क्वेश्चन आपको, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन आर प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन आर प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ये गलत हो गया। एडिनो हाइपोफिसिस इज डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ये भी गलत है बच्चे, ठीक है, ये भी गलत बोल रहा है, आपने क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
ठीक है बच्चे, आपने करेक्ट इन रिलेशन टू एंडोक्राइन सिस्टम था। फिर बोल रहा है ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी एंड लिवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, तो ये भी गलत हो गया बच्चे, क्यों हार्ट ANF फैक्टर नहीं रिलीज करता था, किडनी एरिथ्रोप्योटिन हार्मोन रिलीज करती थी। अच्छा किडनी लिवर, लिवर तो नहीं करता बट हार्ट और किडनी करता। नॉन न्यूट्रिएंट अभी हमने पढ़ा बच्चे, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इन ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन, ये वाला पॉइंट है। तो देखो ना बच्चे कितने क्वेश्चंस हैं जो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, बस आपकी कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और फोकस होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने जितना पढ़ा ये सारे स्टेटमेंट आपके उस क्वेश्चन में थे, और ये हमने नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस हमने लाइन पढ़ी है NCERT में, अमाउंट दैट एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर इज नोन एज हार्मोन, आपको हार्मोन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। तो आप लोग और भी कर सकते हैं क्वेश्चन, इसके और भी बहुत सारे इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे आपके पास 14, 15 मैंने किया, आप 16 करें, 17 करिए, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 4 और 2 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट है, ठीक है बच्चे, थैंक यू बेटा।